हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। ठीक है, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। ठीक है, तो एरोबिक और एनएरोबिक क्या है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एरोबिक की बात करेंगे, तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब ये किन में होता है? ये मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसी को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, अब एनएरोबिक क्या है? ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये किसके अब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो अब ये कौन करेंगे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली क्या होता है? बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर होता है। बैक्टीरिया, कुछ यीस्ट होंगे। ठीक है, और हमारी मसल सेल में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब सबके अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे सेल के अंदर होता है, और जिसके कारण हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन से भी एनर्जी मिलती है, बट लेस अमाउंट में मिलती है, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी यहां नहीं बनती। लेकिन इसका फायदा ह्यूमन बींग के लिए ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो बैक्टीरिया और यीस्ट करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, फर्मेंटेशन से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, जैसे कि इसको हिंदी में किण्वन बोलते हैं। ठीक है, बेकरी इंडस्ट्रीज में इसका बहुत रोल है, वाइन इंडस्ट्रीज में इसका बहुत रोल है। ठीक है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, अगर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगी तो शायद जो शराब बनती है फैक्ट्रियों में जो वाइन्स बनती हैं वो नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती हैं? फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। बेकरी इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही आते हैं। उसके साथ साथ हमारे कुछ फूड स्टफ्स हैं जो हम घर पे भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम छोला भटूरा बनाएंगे या फिर ढोकला बनाएंगे, इन सब के लिए फर्मेंटेशन का होना जरूरी है। तो हम आटे को भिगो कर रख देते हैं और रात भर में वो आटा फूल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ भी क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है। तो इसीलिए फर्मेंटेशन का बहुत ही ज्यादा रोल है हमारे डेली लाइफ के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन करते हैं? बैक्टीरिया और यीस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका सिंपल हम रोल देख लेते हैं। रोल कहाँ है? वाइन इंडस्ट्रीज में है। कहाँ है? वाइन इंडस्ट्रीज में है, बेकरी इंडस्ट्री में है, वाइन इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री। ठीक है, इन सब जगह पे इसका रोल होता है, और कुछ हाउस होल्ड यूजेस भी हैं, हाउस होल्ड फूड स्टफ्स। ठीक है, इन सब पर जैसे हमने ढोकला की, छोला भटूरा, इन सब की बात की, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, और ये किसके कारण हो रहा है? बैक्टीरिया और यीस्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले दोनों के रिएक्शंस देख लेते हैं, ये समझ में आ गया? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। किसमें होता है? प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। तीसरी चीज, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, मतलब ये इनसाइड द सेल होता है, और ऐसे रेस्पिरेशन के कारण एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा जो है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो किसके एब्सेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये कहाँ हो रहा है? बैक्टीरिया और यीस्ट में हो रहा है, और साथ ही साथ हमारी मसल सेल में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? मसल सेल्स में हो रहा है। ठीक, अब जो है
इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन बोलेंगे। वाइन इंडस्ट्रीज में जितनी भी वाइन्स बनती हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू बनती हैं। बेकरी इंडस्ट्रीज में बेकरी प्रोडक्ट जितने हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, फर्मेंटेशन के। ब्रेड है, डबल रोटी है, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब किसके कारण बनेंगी, इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण बनेंगी, ठीक है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही संभव है, ठीक है। तो और हाउस होल्ड जो फूड स्टफ्स हैं हमारे, जैसे कि ढोकला है, ठीक है, और भटूरा है, और बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम भिगो कर बनाते हैं, रात को भिगो दिया और सुबह फूलने के बाद बनाया गया, तो ये सब सारी चीज़ें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही होती हैं, ठीक है। अब दोनों के रिएक्शंस देख लेते हैं, रिएक्शंस क्या 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 हैं, ठीक। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बेसिक अंतर है। दोनों के प्रोडक्ट क्या होते हैं, दोनों के प्रोडक्ट ग्लूकोज ही होते हैं। क्या होते हैं, ग्लूकोज, एरोबिक का भी और एनएरोबिक का भी, C6H12O6, ठीक है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, समझ में आया, किस रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। कल के वीडियो में हमने बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ी। अब ये जो ऑक्सीजन है, यहां पे क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जो कि कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। और इसके कारण हमें क्या मिल रही है, इसके कारण हमें एनर्जी मिल रही है, और बाय प्रोडक्ट इसका क्या होता है, CO2 और H2O, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, बाय प्रोडक्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगी, जिस जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे, अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इन एनर्जीज की जरूरत होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एग्जांपल है, उसमें भी प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज ही है, क्या है, ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है, C6H12O6, यहां क्या हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये जो फर्मेंटेशन है, इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, इसके फलस्वरूप बन रहा है, इसके स्वरूप बन रहा है इथेनॉल, क्या बन रहा है, इथेनॉल। और इसका भी बाय प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। एक तो ये हो गया जो कि बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, यीस्ट के अंदर हो रहा है। दूसरा जो हमारे मसल सेल में हो रहा है, वहां क्या होता है, जो मसल सेल है वहां पे जो फर्मेंटेशन, सॉरी, मसल सेल के अंदर जो हमारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां क्या होगा, वहां पे जो प्रोडक्ट होगा, वहां होगा लैक्टिक एसिड, क्या होगा, लैक्टिक एसिड। और ये वाला जो परफॉर्म हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस CO2, ये वाला कहां पे हो रहा है, इन द मसल सेल, मसल सेल में हो रहा है, ठीक है। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन हमने आपको बता दिए, एरोबिक जो कि सिंपल रेस्पिरेशन है, इसमें बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। एनर्जी यहां भी रिलीज हो रही है, लेकिन लेस अमाउंट में हो रही है। यहां पर जो बाय प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और जो बनेगा वो क्या बनेगा, इथेनॉल। और अगर हमारे मसल सेल में हो रहा है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ये ओवरऑल हमारा क्या था, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन था। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। फायदेमंद हमारे लिए दोनों है, ठीक है। अगर वीडियो को अगर आप वीडियो समझ में आया है आपको, तो आप उसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।